टूटी हुई कुर्सी है बेंच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर एमएस। टुडे ब्लॉग इज वेरी इंटरेस्टिंग। माय टुडेज लोकेशन बिस्परिय शास्त्री पार्क। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर एमएस में। शाम के हो रहे हैं फ्रेंड्स, 5 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं आपके लिए सीन बताता हूँ। शास्त्री पार्क की लोकेशन है अपनी आज की, आपको लोकेशन मैं बता देता हूँ। राजस्थान का जिला भरतपुर मैं ये पड़ता है और इसका मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। नेशनल हाईवे 11 आगरा टू जयपुर नेशनल हाईवे पे पड़ता है फ्रेंड्स ये। यहाँ का मैं ब्लॉग दिखाता हूँ, सिनेमेटिक शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे इस ब्लॉग में कम्प्लीटली। यहाँ की जो ग्रीनरी है काफ़ी बेहद ब्यूटीफुल ग्रीनरी देखने को मिलेगी, इसमें सारा कवर कर देंगे हम आपके लिए। सनसेट का टाइम है, थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा वीडियो आपके लिए हमको, पता है पर यार अंधेरा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना वीडियो शूट करने में। मिलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस सीन ये है, हमारे साथ हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे फेवरेट दोस्त हैं ये। तो भाई मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। योगेश सिंह राघव है, राजपूत परिवार में से ये हमारे फ्रेंड हैं, एकदम अल्टीमेट दोस्त हैं मेरे। अब तक के एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अल्टीमेट रहा गाइस। स्कूल टाइम के दोस्त हैं और अभी मेरे साथ हैं तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये। इनके लाइक बनता है, इन्हीं के लिए दे देना लाइक। गाइस यहाँ पर चल रहा है बैडमिंटन। यहाँ पे भी चल रहा है बैडमिंटन का खेल। गाइस ये सीन है, चल रहे हैं अभी, पार्क बहुत बड़ा है तो थक जाएंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा एनर्जी थोड़ी हमको बचा के रखनी है भाई पूरा वीडियो कवर करने के लिए। काफ़ी लंबा ग्राउंड है, देख लीजिए अभी तो स्टार्ट है। अब देखिए थोड़ा, अब नीचे आ गए, यहाँ से आ रहे थे, ये स्लोप पन्ना है यहाँ से आ रहे हैं, अब थोड़ा और नीचे जा रहे हैं, अभी ये नीचे और है, चलते हैं। जो बुखारी बना रखी है, दीवार को तोड़ के ही बुखारी बना डाले। अभी वहाँ पर था मैं, यहाँ पर खड़े हुए थे, अब घूम के थोड़ा यहाँ से राउंड करके अभी यहाँ पे आ गया। सीढ़ियाँ आए, अब पिस्टियर्स बोलते हैं इनको। ये इसका छोटा सा मेन गेट है, इसमें से हमने अभी एंट्री मारी। नीचे उतरने का जो मेरे ब्लॉग से कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं उनको पता है कि लोकेशन क्या है यहाँ पे। ये लोकेशन उस टाइम की है जब मैंने आपके लिए, ये पीछे का सीन देख रहे हो ना, ये जिम का सीन है, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज की मशीन्स लगी हुई हैं इस गार्डन में। यहाँ पे बैठ के मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था ब्लॉग के बारे में और ये यहाँ पे मैंने जिम की एक एक एक्सरसाइज दिखाई थी। अगर वो वीडियो आपको देखने तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके कर लेना चेकआउट। देखो ये है, इस पर बॉडी बिल्ड लेते हैं, इस पर हम जैसे कि वो करते हैं ना बीम मारते हैं, मतलब दोनों हाथों का सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर उठते हैं ना, तो उसका है व्यू, उसका हम दिखा रहे हैं। चल देखा ओगो, हाँ 1 2 3 4 5 ये परफेक्ट ग्रीनरी है। ये पता है किसका पौधा गाइस आपको मैं बताता हूँ, सदाबहार का ये सीन है, सबसे मोस्ट पॉपुलर। हाँ ये सल्लू का पेड़ है गाइस। पता है ये क्या है, ये है फुब्बारे का सीन, यहाँ चलते हैं फुब्बारे, ये रात का व्यू देखने को मिलेगा। देखो ये है गोल फुब्बारे का सीन, यहाँ चलते हैं फुब्बारे, बहुत गजब। देखे ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये रंग बिरंगी लाइट का व्यू है और जो बीच में ये डॉट डॉट से लग रहे हैं ना फुब्बारे, उनमें से जो निकलता है ना पानी जो बौछारों के रूप में निकलता है, ये वो है। ये साफ सफाई का इसका इग्नोर कर देना क्योंकि अभी ये यूज नहीं आ रहा, ठीक है। एक एक पत्ती मिल जाएंगी, जो पत्ती इस पेड़ की है ऑब्वियसली सी बात है, ये मट्टी है, ये उड़ उड़ के आती है मट्टी यहाँ पे, और ये देख लो रिफ्लेक्शन आ रहा है पेड़ का, और ये इसमें वायर है, ये पूरा इलेक्ट्रिक मामला है भाई साहब। देखिए ये है फुव्वारे का सीन, अभी इसमें कलर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, मे बी इन फ्यूचर में हो सकता है ये भी देखने को मिलेगा। पीछे बैठे हुए हैं आंटी, देख लो ये पीछे का मेरा भरतपुर मान, देखो कुर्सी है तोड़ दी। कोई रेपुटेशन नहीं है यार यहाँ का, कोई मेंटेनेंस की बात करें तो 0 नंबर देता हूँ मैं इसके लिए। तो यहाँ पर सरकार कितना करेगी यार, सरकार कर देती है तो उसका तो यार फॉलो तो करो यार, मेंटेनेंस बना के रखो। अगर मेंटेनेंस ही आप बिगाड़ दोगे उसका तो क्या होने वाला है, सरकार आपके लिए इतना करती है तो गाइस उसको मेंटेनेंस करके रखो यार। टूटी हुई कुर्सी है, कुर्सी तोड़ दी, किसी ने इसको बैठने के लिए बनाया पर इसका कोई मतलब ही नहीं। ये पूरी ग्रीनरी का व्यू है, कुर्सी ठीक है, ये बैठने लायक कुर्सी है। जो पीछे दिखाई थी मैंने आपके लिए वो वाली टूटी हुई कुर्सी है,
ये ठीक है, इसमें कुछ लिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रस्ट है। सामने ये पीछे देखिए आप, वो सामने सनसेट का व्यू अल्टीमेट। घास में पानी भी दिया जा रहा है गाइस, इसके प्लट्स हैं, इसमें शायद कोई लाइट वगैरह लगेगी। तो कम से कम 10 बरगज के एरिया में फैल रहा है, मैं तो थक गया। ये है पानी और ये है पेड़, पानी के अंदर पेड़ है। ये चेयर्स मिलेंगे, सार्वजनिक लोगों को बैठने का सिस्टम है यहाँ पे। ये चेयर तो अपने उल्टे मुंह की, ये वाली चेयर देख रहे हो और इसका मुंह देख लीजिए, किसी ने उल्टा क्यों बनाया यार उसको, यार सस्पेंस आता है ना, तो ये उल्टा क्यों और वो सीधा क्यों, दारू पी के बनाया है ये। बेसिकली भरतपुर में गाड़ियों की कमी तो है नहीं है, आपको पता है। एक अड्डा लगा के आया होगा कोई, जिसने इसको रखा होगा, जिसने इसको बनाया होगा तो उसने कर दिया होगा, हो गया ये गलती। गलती इंसान से होती है, भगवान से तो होती नहीं है, भगवान तो खैर देखने को नहीं मिलता यार। ये देख रहे हो ना, ये भरतपुर में आपके लिए इसका हिस्ट्री बताता हूं। बेसिकली भरतपुर में मेन गेट्स बोलते हैं, मेन गेट्स कम से कम आपको 21-22 मेन गेट्स मिलते हैं, मुख्य द्वार बोलते हैं उनसे, ठीक है। 21 गेट बेसिकली देखने को मिलेंगे आपको। ये अदरवाइज है, मतलब ये तो हाईवे रोडों पे, मतलब जैसे कि हाईवे रोडों के अंदर हम एंट्रेंस करते हैं ना हम भरतपुर सिटी में, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऐसे गेट भरतपुर में। अभी तो दो एट परसेंट तो दो हैं फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये इधर पड़ता है शास्त्री पार्क के जस्ट बगल में, एक पड़ता है ये सारस चौराहे, नियर सारस चौराहे के बगल में, वहाँ पर पेंटालूम का शुरू मिलेगा आपको, उसके जस्ट बगल में आप देख लेना, इसका व्यू देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये तो इसका मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। भरतपुर में 6 सालों से बन रही है, अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुई, कुछ डॉक्यूमेंटली इसमें स्टे लग गया, तो डॉक्यूमेंटली कुछ एरर आया होगा, कुछ इशू आया होगा, सो उसके कारण इसमें स्टे लग गया। अच्छी बात यह है कि इसका काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है, ये दोबारा बनने लग गई है और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी भरतपुर शहर में। जो लोग भरतपुर से बिलोंग करते प्रेसली पता होगा उनके लिए जेनुअली चीज़ है भाई, उनके सामने बन रही है ना, उनको पता है ये चीज़। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो गाइस मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर भी नए हैं, जो इस वीडियो को वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भरतपुर के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए ना गाइस यार आपको। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे ब्लॉग में आपको व्यू तो देखने को मिलेगा, आपके लिए नॉलेज भी देना चाहता हूँ, नॉलेजेबल ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ अपने चैनल पर फ्रेंड्स में। ब्लॉग तो देख रहे हो, एंटरटेनमेंट तो आपका हो ही रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पज से तो आपको A+ मिल रही है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये पार्क्स हैं और जितने भी महल हैं, पैलेस हैं, उन सबों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ती है ना घर। और ये देख लीजिए ट्रैक पर चल रहे हैं हम, गाइस शाम के हो रहे हैं अभी 5:30। ये देख लो अंडरग्राउंड फिटिंग हो रही है पानी की, ये थोड़ा स्विमिंग पूल के टाइप से लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें पानी डाल देना क्लियर तो ये स्विमिंग पूल का भी काम कर सकता है, पर ये स्विमिंग पूल की नाली है, ये पुल बना रखा है, ये पुल का व्यू है यहाँ से, ठीक है। अभी तो रह गए झूले, किड्स पार्टी का एंजॉय भी रह गया भाई, मैंने प्रॉमिस किया है पूरा वीडियो कवर करूँगा मैं आपके लिए, पूरी चीज़ दिखाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। वो देख रहे हो ना वो टिकला, अभी उसके पास चल रहे हैं, बहुत गजब है सीन उसका, थोड़ा उसके अंदर चलता हूँ, कुछ सीक्रेट बताता हूँ उसका। कौन परिक्रमा देके जा रहे हो यार वहाँ तक, सीधा शॉर्टकट लो ना, चलो शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, लैब में अगर शॉर्टकट लेगा वो साला जल्दी नहीं पहुंचेगा, वो लेट ही पहुंचता है। ये शॉर्टकट भी लेना चाहिए लाइफ में, अगर शॉर्टकट नहीं लेंगे दिक्कत है जाएगी, जब हमारे शॉर्टकट ले ले तो फायदे में रहते हैं हम, शॉर्टकट ले लो पर हमने ना लियो वो शॉर्टकट, अब पछता रहे हम, अब लेंगे शॉर्टकट हम। देखो हम पटरियाँ पार करके जा रहे हैं भाई, प्लास्टिक की पटरी, विश्व प्रिय शास्त्री पार्क के अंदर ये टॉय ट्रेन है, ठीक है, टिटो ट्रेन की पटरियाँ हैं भाई। देखो ये यहाँ की भूलभुलैया है, अगर इसमें जो खोजा 10 जन्मों तक नहीं मिले, सदाबहार पेड़ हैं तो उनकी भूल ही है भाई। तो ये जोन है ना गाइस यहाँ का, ये है पूरा खेलने का जोन है, यहाँ पर सारे झूले मिलेंगे एक तक। अब झूले का हम सीन करते हैं आपके लिए इसमें कवर, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चा मजा ले रहा है भाई। स्लोप है ये ब्लू कलर का और ये येलो कलर का स्लोप है, ये सीढ़ियाँ हैं भाई, यहाँ से चढ़ते हैं
इस बुखारी सी में से उतरते हैं, इसका होल बना रखा है, पर ये बच्चों के लिए सब कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो गाइस ये देख लीजिए, ये भरतपुर का फेमस बगुला। सीन दिखा दिया, अब ये फाइनल टच है, इसका फाइनल व्यू है। पूरा वीडियो मैंने कवर कर दिया आपके लिए। अगर वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा उसके लिए वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो पर नया आया हो ना तो वीडियो कर देना शेयर। उससे होगा क्या, उससे होगा मेरा सपोर्ट। सपोर्ट ज़रूर करना आपको, सपोर्ट करोगे तो काम नहीं चलेगा। बस थोड़ा सपोर्ट दे देना भाई प्लीज़ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, कम से कम एक घंटा हो गया, एक घंटे से ऊपर वीडियो बनाते बनाते, तो एक सपोर्ट कर देना प्लीज़ यार। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 5:45 का, ये शीशो का भाई देख लीजिए, ये बच्चे मजे ले रहे हैं यहाँ पे। तो सीन ये सर्दियों का सीन है भाई, बड़ा दिन जल्दी छुप जाता है यहाँ पे। 5:45 का टाइम हो रहा है, थोड़ी रात होने लग गई। हम आए थे ना जब थोड़ा उजाला था यहाँ पे, तो अब थोड़ा डार्कनेस आने लग गया। अगर वीडियो में कुछ भी भाई धमाकेदार लगाओ, कुछ नया देखने को मिला हो, कुछ अट्रैक्टिव लगा, कुछ फनी मोमेंट देखने को मिले हो, लाइक कर देना। देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा व्यू दिखाया मेरे को, ये मोर बनाया है भाई, कितनी गजब की कारीगरी है। और ये पूरी ट्रेन है, ये ट्रेन है आगे ट्रॉट ट्रेन के नाम से जानी जाती है। 10 रुपये का पर पर्सन से चार्ज लिया जाता है इसके लिए। इसकी बोगियाँ हैं, इसमें बैठ के जाते हैं, तो चार जने बैठ सकते हैं एक डिब्बे में। ठीक होता है, मेंटेनेंस का काम चलता ही रहता है हर पार्क, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान तो लगाते रहती है पैसे यहाँ पे। वैसे बहुत से लोग बताते हैं कि इसके अंदर सांप हैं, तो लगता है तो ऐसा ही खराब ना था। देखना सीन कैसा लग रहा है इसका। और ये है टॉप का व्यू इसका। तो भाई वहाँ से आए, पार्क के संपत्ति को क्षति पहुँचाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान का सीन है, ये जो बीच में है ग्वाले हैं, ये गांव के लोग हैं श्री कृष्णा में देखा हुआ है। ये गाय का सीन है देख लीजिए, ये ग्वाले हैं, ये पीछे मोर का भी सीन देखने को मिल रहा है आपको इसमें। पर देख लीजिए राधे राधे का सीन देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर में राधे राधे का बैनर लगा है, ये श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं पर्वत पर। तो आई होप गाइस आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस वीडियो में। ठीक है भाई, सीन ये है अभी भैया आया अपने संग, उसको हम उतार रहे हैं इस जंग में। ठीक है, इसको पूरा करना है आपको, उससे पहले भी मैंने वीडियो दिखा चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उसको करना आप चेकआउट। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा इसका व्यू। भाई मज़ा आ गया इस पर चल के, एकदम आ गया आनंद। भाई देख लो कितने नुकीली टेल हैं ये, इन पर चलने का मज़ा है भाई, ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाता है इससे। अब 6:05 है गई हैं भाई, कैसा लगा यूकेश जी ब्लॉग, बताइए कैसा बना है। बहुत बढ़िया बना है, मेहनत लगी है नहीं लगी, पूरी पूरी लगी है भाई। 2.5 घंटे की मेहनत में जाके जितना भी रिकॉर्ड किया है, अब उसको करना है एडिट, एडिट करके भाई तुम्हारे लिए करना है फिर उसको पब्लिश। अब देख लो तुम्हें कितनी मेहनत करता है तुम्हारा भाई। और जो लोग भरतपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। शेयर करने से तो वीडियो पहुँचती है यार, अब शेयर ही नहीं करोगे तो कैसे पहुँचेगी जनता तक वीडियो। इसलिए तो हमारा मेन मकसद इस वीडियो को हर जनता तक पहुँचाने का है ना। ये भरतपुर का विश्व प्रिय शास्त्रीय पार्क है, यहाँ पे कुछ टाइम पे पहले मछलियाँ भी थी, और उसका मछली का सीन सुबह ही मिलता है आपको देखने के लिए, सुबह 12 बजे तक वैलिड है। इस टाइम में आप आके यहाँ पे मछलियों का सीन भी देख सकते हो, बिल्कुल नेचुरली फिश हैं, काफ़ी कलर में आपको फिश देखने को मिलेगी। यहाँ की मछलियाँ फॉरेन सिटीज़ की हैं यार, यहाँ की मछलियाँ वो है ही नहीं है, मतलब जो समुद्रों में समुद्री मछलियाँ होती हैं ना उनकी क्वालिटी मिलेगी आपको, और एकदम विदेशी वेराइटी मिलेगी मछलियों की। उस मछली के लिए अगर आपको वो वीडियो देखना है ना, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, तो उसको कर लेना आप चेक। देखिए रात का व्यू है यहाँ का, चल रहा है फुटबॉल, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे बैनर पे आई लव माई भरतपुर। लाइट देख ली जलने लग गई परफेक्ट।